ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଇ ଜନଗଣନା ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାର ଦେବ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ବୋଧ ରଖିଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବୁ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଗଣନାକୁ 100% ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଡିଜିଟାଲକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାରେ 100% ଗଣନା ହେବ। ଆସାମର କାମରୂପ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଗଣନା ସଞ୍ଚାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। मित्रों, जनगणना का जो काम है उसको हमने पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस की ओर मोड़ने का ये ऐतिहासिक वर्ष है। इसलिए इस बार आप सबका काम बहुत कठिन है। अगर ढंग से हम इसको सीख कर करेंगे तो सरल भी है, क्योंकि आज देश में 50% आबादी ऐसी है, एक बार उसके मोबाइल के अंदर आपने ये सॉफ्टवेयर डलवा दिया तो वो खुद भरकर आपको भेज देंगे, आपको वो टीडीएस काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूं, मेरे परिवार का सभी सदस्यों का फॉर्म ई स्वरूप में भरकर मैं आपको जरूर आपके सॉफ्टवेयर पर भेज दूंगा। और मुझे भरोसा है देश की जनता भी इसमें बहुत सहयोग करेगी। अमित शाह आहुरी कहिछन्ते, जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर को जनगणना सहित जोड़ा जिबो। 2024 वर्ष पर्यंत सबु जन्म एवं मृत्युर पंजीकरण हेबो, अर्थात आम जनगणना आपे आपे अपडेट हो जिबो। से कहिछन्ते नीति निर्माण रे जनगणनार महत्वपूर्ण भूमिका रही थाए। केवल जनगणना ही करि परिबो विकास एवं एससी एसटी स्थिति कोन रहिछि, पहाड़ सहर एवं गाँव रे लोकन को जीवन शैली केमिति रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।